फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशनल सेंटर। प्रोनाउन की सीरीज चल रही है और मैं आज आपको बताऊंगी फिफ्थ टाइप का प्रोनाउन यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। बस 5 मिनट्स की ये वीडियो होगी और आपको पूरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के मिलते रहे अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आइए लेट्स स्टार्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। देखिए, लास्ट वीडियोस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए थे, जो ईच, नीदर, ईदर, 3 के ये होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। और इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए, मतलब ईच अदर एक दूसरे के पूरक होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है पूरक, एक दूसरे के पूरक होना, रेसिप्रोकल होना, ठीक है, दोनों का ही मतलब है। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, बिल्कुल होता है कुछ डिफरेंस। ईच अदर हम यूज करते हैं फॉर टू, दो या उससे दो लोगों के लिए, केवल दो के लिए। और वन अनदर हम यूज करते हैं मोर देन टू, जब हम दो से ज्यादा चीजों की या लोगों की बात करते हैं। कैसे, अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। देखिए, दीज टू ब्रदर्स लव ईच अदर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, बचपन से ही ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यह केवल दो भाइयों की बात हो रही है तो हमने लगा दिया ईच अदर, लेकिन वन, जब भी दो से ज्यादा की बात होगी तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। अब एक और चीज देखिए, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब ईच अदर का मतलब समझिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने, मतलब दो ही पर्सन हैं, ठीक है। अब वी ऑल शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर दो पर्सन नहीं, ये पूरी एक मॉरल मैसेज है, ठीक है, ये एक मॉरल है जो कि हम किसी को सिखाते हैं। मॉरल हमारी वैल्यू है कि जितने भी लोग हैं, सब इंसानों के लिए, सब पर्सन के लिए बात है कि हमको हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ईच अदर का यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब हो जाएगा कि वहां दो लोगों की बात होगी, लेकिन ये जो मॉरल वैल्यू, ये जो मैसेज है, ये तो हम सबके लिए बोल रहे हैं कि हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम यह यूज करेंगे वी शुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की, मतलब दोनों का ही एक दूसरे हो गया, लेकिन ईच अदर मतलब फॉर टू, वन अनदर मतलब मोर देन टू। लेकिन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी हम स्पीकिंग इंग्लिश करते हैं तो हम जल्दी वी शुड हेल्प ईच अदर ऐसे भी आपने काफी सुना होगा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे ना, वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, तो कम्युनिकेशन जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, आप उस पर मत जाइए। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए हमको सिर्फ समझ आना चाहिए, इसलिए हम इंग्लिश को बोलते समय काफी मिस्टेक कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन ग्रामेटिकली हमें मिस्टेक करना अलाउड नहीं है, क्योंकि है ना, हमें पता होना चाहिए। तो जब आपको पता होगा ना, तो स्पीकिंग में भी आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में भी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं और तीनों में ही मैंने कुछ मिस्टेक करी है, यानी मिस्टेक इसी टाइप की हो सकती है, कहाँ ईच अदर यूज होगा, कहाँ वन अनदर। तो अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपने ये तीनों सेंटेंसेस नोट करिए, अगर आपने बिल्कुल तीनों करेक्ट कर दिए, तो मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको समझ आ गया। इसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, इसके नाम से बस डर लगता है रेसिप्रोकल क्या है, लेकिन मेरी इस वीडियो देखने के बाद कोई भी सेंटेंस आपका आ जाए रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, ईच अदर आर रेडी टू गो, सही है, दोनों जाने के लिए रेडी है, लेकिन नहीं गलत। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है, सबसे पहला है एक और मिस्टेक, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ईच अदर, दोनों ही चीज के लिए, एंड वन अनदर, ये दोनों ही कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर ये यूज नहीं हो सकते, यानी सब्जेक्ट जो यहाँ पर आता है वो यहाँ नहीं आ सकता, स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो उसकी जगह हम दे लिख सकते हैं, दे आर रेडी टू गो, ईच अदर आर रेडी टू गो, वन अनदर रेडी टू गो इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, ईदर, नीदर और ईच एज अ सब्जेक्ट ही हमेशा हम यूज कर रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट है रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव में। मेन डिफरेंस देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट, while reciprocal pronoun can never be used as a subject, ठीक है। अब second वाला, these 4 boys were beating each other, अब देखिए मैंने क्या कहा था, each other दो के लिए आता है, अगर यहाँ होता these two boys were beating each other, तो ये sentence बिल्कुल correct होता, लेकिन ये 4 boys की बात हो गई,
तो इसको ये हमारा मिस्टेक है, इसको हम वन एम एल लिखेंगे। लेकिन हम स्पीकिंग में हम सब ऐसे ही बोल जाते हैं, आपसे मत बोलेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है। बोथ ऑफ यू असिस्ट वन अनदर, इसमें भी हम ये कर जाते हैं, लेकिन ईच अदर, क्योंकि बोथ बोथ मतलब टू से मतलब है, तुम दोनों एक दूसरे को असिस्ट करोगे। तो जिसने ये तीनों सेंटेंस समझ लिए, समझ लो उसका पूरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट है, या आप मेरी वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, या फिर कुछ और भी अगर मुझसे छूट गया कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है रह जाता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको जरूर करूंगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।